महिला खत्री समिति रामपुर की ओर से गरीब जरूरतमंद लोगों को बांटे गए गर्म कपड़े। उत्तर प्रदेश के रामपुर में महिला खत्री समिति रामपुर उत्तर प्रदेश की ओर से नेकी की दीवार नाम से समाज सेवा के पुण्य का काम आरंभ किया गया। इसके अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, जूते, चप्पल, कंबल, चादर, घर की जरूरतों के लिए काम आने वाली वस्तुओं का वितरण किया, जिसमें समिति के महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर तन मन धन से लोगों की मदद की। समिति अध्यक्ष ने बताया कि मानव सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है, अतः हम सबको मिलकर ऐसे कार्य समय समय पर करते रहना चाहिए। अब जो एक बार ठान लिया है वह आगे भी करते रहना है, इसलिए आगे भी सेवा कार्य जारी रहेगी, जिसके चलते कड़ाके की सर्दी में महिला खत्री समिति रामपुर की ओर से जरूरतमंद लोगों को गर्म कपड़े, चप्पल आदि वितरण किए गए। इसके दौरान समिति की महिला कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। क्या करते हैं? रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो कपड़े बांटे गए हैं, क्या क्या लिया है आपने? यहाँ पैंट और जर्सी ली है। तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। मेरा नाम सपना कपूर है। अच्छा, आज ये कार्यक्रम किया है जिसमें कितने लोगों को आपने कपड़े बांटे गए? हमारे यहाँ आज सारे ही जो भी गरीब है, बेसहारा है, जो भी ठंड में कांपता हुआ इधर से निकलेगा, हर एक के लिए हर साइज का कपड़ा, जूता, चप्पल, शॉल, खिलौने, स्टेशनरी, जो भी कुछ है, चाय, बिस्किट, मोजे, टोपी, बिस्किट, गरम चाय, सबके लिए है। जो भी घर से निकलेगा वो कोई खाली नहीं जाएगा। इस ठंड में हमारी महिला कल्याण समिति की तरफ से, खत्री समाज की तरफ से ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। अच्छा, कितने समय से सेवा करती चली आ रही है ये आपका जो? ये हमारी अभी नई संस्था बनी है, इसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास आज से शुरू हुआ है। तो आज ये पहला कार्यक्रम किया? जी, हमने आज ये पहला कार्यक्रम करा। इस तरीके से अब हम करते ही रहेंगे, अगर हमें सबका सहयोग मिलता रहेगा। ये हमारा खत्री समाज की तरफ। लगभग कितने जोड़े गर्म बांट दिए हैं आपकी संस्था ने? अभी तक हम लोगों ने 250 बांट चुके हैं, और अभी हमारे पास 3 बजे तक का टाइम है। जो भी आ रहा है वो यहाँ से, इस सड़क से कोई खाली नहीं जा रहा है। कब तक चलेगा आपका ये कार्यक्रम? हमारा ये 3-4 बजे तक चलेगा। जब तक हमारे पास कपड़े हैं, जब तक इधर से लोग निकलते रहेंगे, तब तक हम ये बांटते ही रहेंगे। लगभग कितने कार्यकर्ता हैं आपकी संस्था में जो आपके साथ में? हमारे कार्यकर्ता 65 हैं करीब इस समय, और बोर्ड मेंबर्स हमारे बहुत एकजुट होकर के, बहुत तल्लीनता के साथ में सुबह से लगे हुए हैं 10:30 बजे से, और सबने बहुत तन मन धन से इसकी तैयारियां करी हैं कि कोई भी खाली ठंड में जाए नहीं। सबको मोजे, टोपे, सबको अपनी तरफ से भी, नए भी, पुराने भी, सब बांटे। तो आप इस तरह के कार्य करके क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके से कोई भी बेसहारा, कोई भी इस तरीके से यहाँ से गरीब खाली ना जाए, और ठंड में ठिठुरे ना, और हर एक के सर पे छत बनी रहे, और हर एक के तन के ऊपर गरीब के ऊनी कपड़ा रहे। हमारा यही संदेश है, और हम हर जात के जो भी सड़क से निकल रहा है उसको दे रहे हैं। ये नहीं है कि कोई इसका है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जो इधर से निकलेगा वो लेगा।